हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। कैसे हो दोस्तों? आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त हेयर रेमेडी लेकर के आई हूँ, एक हेयर सीरम लेकर के आई हूँ, जिससे आपके बालों का टूटना झड़ना रुक जाएगा। बाल की जो ग्रोथ है बहुत ही स्पीड से होगी, बाल बेहद लंबे होंगे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सुंदर होंगे, बहुत ही इफेक्टिव है, ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको क्या करना है दोस्तों? लेना है करी लिप्स। करी लिप्स अक्सर दोस्तों हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, बालों की ग्रोथ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाता है, बालों की जो थिकनेस होती है उसको बढ़ाता है, यानी आपके बाल बहुत ज़्यादा थिक होंगे, काले होंगे, लंबे होंगे। तो आपको एक बर्तन में रखने हैं कुछ करी लिप्स। करी लिप्स के बाद इसमें आपको ऐड करना है, ये है हमारा प्याज। तो एक प्याज लेना है दोस्तों, एक प्याज को आपको अच्छे से काट लेना है। प्याज क्या करता है, हमारे बालों की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है और बालों की जड़ों को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है, बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो एक प्याज में से आधा प्याज को आपको काट करके रख लेना है उसमें बर्तन में। फिर आप इसमें एक जो प्याज का छिलका होता है उसको भी डाल दीजिए। और फिर दोस्तों आपको लेना है चाय का पत्ती। चाय का पत्ती दोस्तों हमारे बालों के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है, बालों में बहुत ही ज़्यादा चमक ऐड करता है, बालों की टूटने झड़ने की रफ्तार को कम करता है। आपके बाल अगर बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं, ग्रे हो रहे हैं टाइम से पहले ही, तो उसको ये कवर करता है दोस्तों। तो चाय का पत्ती आप अपने घर में ज़रूर रखते हैं तो उसको भी यूज़ कीजिए। एक चम्मच आपको चाय का पत्ती डालना है। अगली सामग्री जो आपको लेनी है ये होगा आपका कलौंजी। कलौंजी इसको हम मंगरेला बोलते हैं दोस्तों, बालों को बहुत ही ज़्यादा काला करता है, जड़ से बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है, बालनेस यानी कि गंजेपन की शिकायत होती है अगर आपको, उसको भी ख़त्म करता है, यानी नए बाल उगाता है, बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो कलौंजी और मेथी का तेल भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने बालों के लिए। बहुत सारे वीडियोज़ मैंने मेरे चैनल पर बनाया हुआ है, आप ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो एक चम्मच आपको यहाँ पर जो है कलौंजी भी डाल देना है, यानी कलौंजी को मंगरेला बोलते हैं और ब्लैक सीड्स भी बोलते हैं, बहुत ब्लैक अनियन सीड्स बोलते हैं। एक चम्मच आपको लेना है मेथी दाना। मेथी दाना भी दोस्तों आपके बालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, मेडिसिनल सीड बोला जाता है, बहुत सारी चीज़ों में ये हेल्प करता है, डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छा होता है और उसके साथ साथ ही हमारे हेल्थ से बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देता है और उसके साथ साथ ही हमारे बालों की ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है, नए बाल उगाता है और उसके साथ साथ ही हमारे बालों में जैसे हेयर फॉल्स की समस्या को ख़त्म करता है। तो एक चम्मच आपको मेथी दाना डाल करके फिर आपको इसमें ऐड करना है दोस्तों एक गिलास पानी, और इन सभी चीज़ों को आपको दोस्तों उबालना है, बॉयल करना है। बॉयल करने के लिए यहाँ पे जो है धीमी आंच पे ही इसको उबालना है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ आंच पे ना उबाले। तेज़ आंच पे क्या होगा, बहुत ही जल्दी पानी जल जाएगा और सभी चीज़ों का जो गुण है वो पानी में नहीं आ पाएगा, इसलिए बहुत ही तेज़ आंच पे नहीं, कम आंच पे इसको अच्छे से उबाले। और कुछ देर में देखिएगा बहुत ही अच्छे से इन सभी चीज़ों का कलर इसमें ऐड हो चुका है, प्याज ट्रांसपेरेंट कलर में आ चुका है, और तभी आपको इसको अच्छे से छान लेना है। छानने के बाद दोस्तों इसको ठंडा ज़रूर करें। ठंडा करने के बाद इसमें आप ऐड कर सकते हैं कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल। तो एक चम्मच आपको कैस्टर ऑयल ऐड करना है। यहाँ पे मैं ला ऑर्गेनो का कैस्टर ऑयल लेती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए, और हमारे बालों की ग्रोथ में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है कैस्टर ऑयल। अरंडी का तेल नए बाल उगाता है, बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है, बालों का टूटना झड़ना रोकता है। तो एक चम्मच कैस्टर ऑयल डाल करके इसको अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है दोस्तों। ये देखिए कितना बढ़िया सा कलर भी आया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमारे बालों के लिए काफ़ी वरदान होगा। इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं कम से कम 2 से 3 वीक तक, आराम से यूज़ कीजिए। और इसको कैसे यूज़ करना है, आपको क्या करना है, 2-3 तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ड्रॉपर है जो बच्चों को अक्सर दवाई वगैरह पिलाते हैं ना, तो इसकी मदद से भी आप अपने बालों की जड़ों में लगा सकते हैं, या फिर आपके पास कोई भी स्प्रे बॉटल है इसमें भर करके लगा सकते हैं। स्प्रे बॉटल नहीं है तो कोई भी ढक्कन वाला बॉटल होगा उसको खोल करके उसमें आप डाल करके बालों के स्कैल्प पे लगा सकते हैं। वो भी नहीं है तो कॉटन की मदद से अपने बालों के स्कैल्प पे लगा सकते हैं। और वो भी नहीं है दोस्तों तो आपको शैम्पू के बाद सिंपली इस पानी से अपने बालों को धो लेना है। तो 2-3 मेथड है जो कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बालों की जड़ों में अच्छे से लगाएं, लगाने के बाद अच्छे से उसको मसाज दें। मसाज करने के बाद दोस्तों इसको आपको क्या करना है, कम से कम 1 घंटे अपने बालों में लगा रहने दें। 1 घंटे के बाद आपको शैम्पू कर लेना है। शैम्पू के लिए मैं हमेशा आपको अच्छे शैम्पू रिकमेंड करती हूँ जो कि बहुत ही कम केमिकल वाले होते हैं, नेचुरल शैम्पू होते हैं, जैसे कि जोंक शैम्पू हो गया, गोट मिल्क शैम्पू हो गया, ये सभी शैम्पू काफ़ी अच्छे होते हैं, आर्गन ऑयल शैम्पू हो गया, ये सभी काफ़ी अच्छे शैम्पू होते हैं, उसको आप ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो बालों को इस तरीके से सबसे पहले स्टेप में
जो है तेल सीरम लगाने के बाद धो ले और सुखा ले, बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट मिलता है। बाल बहुत ही ज़्यादा चमकदार, बहुत ही ज़्यादा सिल्की शाइनी और बहुत ही ज़्यादा बालों की ग्रोथ फलेगी, बालों की टूटना झड़ने की रफ्तार कम होगी, बाल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होंगे। दोस्तों मेरे रियल बाल है, अच्छे बाल हैं, मुझे बहुत पसंद है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही फ़ायदा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में शॉर्ट्स वीडियोज़ भी आते हैं रील्स पे, फेसबुक रील्स, इंस्टाग्राम रील्स पे, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कीजिए, सेम वीडियोस के शॉर्ट्स बनते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।